हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पर फिर स्वागत करता हूं। और इस बार भी सेमेस्टर एग्जाम्स के रिगार्डिंग सेमेस्टर 6 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स पेपर 1 का लास्ट वीडियो लेके आ रहा हूं, जो कंटेंट्स है फंड फ्लो एनालिसिस। ये टॉपिक थोड़े से बड़े हैं तो एक ही वीडियोज में मैं इनको समराइज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिले, इससे कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो इस बार हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर फिर है, देखिए अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में है। और इस बार देखिए अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आपका पेपर 1 दिखा रहा है और ये पार्ट ई है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है इसमें। तो ये हमारा टॉपिक है फंड फ्लो एनालिसिस। कौन सा टॉपिक है? फंड फ्लो एनालिसिस है, ठीक है। अब ये सामने है, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूं, फिर आगे काम स्टार्ट करता हूं। फंड फ्लो, फंड मींस क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंड मींस जनरली लोग कहते हैं फंड का मतलब कैश से होता है, बिल्कुल नहीं। कैश नैरो टर्म्स है, फंड बहुत वाइड टर्म्स है। तो कैश इज इक्वल टू फंड कभी नहीं होता है, फंड वाइड टर्म्स है। यहां पर फंड का मतलब यह है कि फंड इन फ्लो और आउटफ्लो, यानी लास्ट ईयर से करेंट ईयर में कहां कहां से फंड जनरेट हुआ है बिजनेस में और कहां कहां फंड का यूज हुआ है, यानी सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है और यूजेज ऑफ फंड्स क्या है, कहां से बिजनेस में फंड्स आया है, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फंड्स, और कहां बिजनेस से फंड गया है, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड या यूजेज ऑफ फंड्स। तो हम लोग इस चैप्टर में ये जानना चाहेंगे लास्ट ईयर टू करेंट ईयर फंड का सोर्स क्या है। जैसे इश्यू ऑफ शेयर से फंड आया, इश्यू ऑफ डिबेंचर से फंड आया, लोन रेस लॉन्ग टर्म लोन से फंड आया, अगर मैं आपसे बात करूं तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है उससे फंड आया, ठीक है। कहां फंड गया? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, ये सब फंड्स का आउट फंड्स का यूजेज है। तो फंड्स का मतलब यहां बहुत वाइड है। और फंड फ्लो कब होता है? जब चेंज होता है वर्किंग कैपिटल में। ये देखिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जब वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा तभी फंड फ्लो होगा। यानी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, थोड़ा सा इसको मैं पहले से बता दूं, थोड़ा सा इसको ध्यान दिखेगा, यह है आपका फिक्स एसेट्स, यानी कि मैं कह लूं कि नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, और ये करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। ये फिर यहां पे नॉन करेंट लायबिलिटीज, और यहां पे नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट करेंट लायबिलिटीज। ये देखिए हमने क्या रखा है, नॉन करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज करेंट लायबिलिटीज। अगर ट्रांजैक्शन करेंट करेंट के बीच में हो रहा है तो कोई फंड फ्लो नहीं। अगर ट्रांजेक्शन फिक्स फिक्स के बीच में हो रहा है, यानी नॉन करेंट में हो रहा है, तो कोई फंड फ्लो नहीं। यानी जो हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड्स करते हैं ना, हर ट्रांजेक्शन में दो ऑस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर वो दोनों पहलू नॉन करेंट है तो फंड फ्लो नहीं होगा, और वो दोनों पहलू करेंट है तो फंड फ्लो नहीं होगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये दोनों करेंट है, फंड फ्लो नहीं होगा। बिल्डिंग परचेस किया, शेयर इशू किया, बिल्डिंग डेबिट टू शेयर कैपिटल, दोनों नॉन करेंट है, फंड फ्लो नहीं होगा। यानी जब किसमें, इन दोनों के बीच में जब होगा, यानी यहां पे रिजल्ट्स क्या है जरा ध्यानिएगा, ये रिजल्ट्स है आपका, यानी इनके बीच जब ट्रांजेक्शन होगा, इनके बीच जब ट्रांजेक्शन होगा तो नो फंड फ्लो, इनके बीच जब होगा तो नो फंड फ्लो। यानी करेंट नॉन करेंट, नॉन करेंट के बीच में लेन देन है तो नो फंड फ्लो, करेंट करेंट फ्लो। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो यस फंड फ्लो होगा। यानी कब होगा फंड फ्लो? जब एक करेंट हो
और एक नॉन करंट, या इसमें देखिए ये और ये, तब भी फंड फ्लो होगा, और ये तब भी फंड फ्लो होगा। यानी फंड फ्लो कब होगा, जब ट्रांजैक्शन में एक ऑस्पेक्ट करंट हो और दूसरा ऑस्पेक्ट नॉन करंट हो। नॉन करंट को आप फिक्स भी कह सकते हैं, यानी जब एक फिक्स हो और एक करंट हो तो ही फंड फ्लो होगा। अगर दोनों करंट करंट है तो नो फंड फ्लो, दोनों नॉन करंट है यानी दोनों फिक्स है तो नो फंड फ्लो। तो पहले एक चीज जान लीजिएगा, ये पूरे चैप्टर्स का मेन है, फंड फ्लो कब होता है, जब ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो, करंट नॉन करंट के बीच में। अगर ट्रांजेक्शन में करंट करंट है नो फंड फ्लो, नॉन करंट नो फंड फ्लो, इसी पे पूरा टॉपिक बेस्ड है। और यहां पे फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनता है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स की बात मैं करूं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट दो होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड सोर्सेज ऑफ फंड होता है, जहां जहां से फंड आता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में सोर्सेज ऑफ फंड में दिखाते हैं, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, वो इधर जाता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन जाता है, प्रॉफिट फ्रॉम फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यूजेज ऑफ फंड्स इधर होता है, यानी राइट हैंड साइड में अप्लीकेशन ऑफ फंड या यूजेज ऑफ फंड होता है, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें 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 होती है, ठीक है। अब आओ इसी पे हम लोगों को काम करना है, आइए बात करते हैं क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है, देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक करेंट और एक नॉन करेंट, ठीक है ना, यानी इन्वेस्टमेंट जो है करेंट भी होता है नॉन करेंट। इन्वेस्टमेंट कैन बी करेंट एंड फिक्स्ड, यानी दोनों हो सकता है, इन्वेस्टमेंट दोनों तरह हो सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉन करेंट एसेट्स, कौन इसमें से नॉन करेंट एसेट्स है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपका नॉन करेंट एसेट्स है, ये आपका करेंट है, ये आपका करेंट है, ये भी करेंट है और ये नॉन करेंट है। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स ड्यू टू परचेज, फिक्स एसेट्स जब फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, ये अप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, पैसा जब जाएगा यानी जब फंड्स का यूज होगा फंड्स घटेगा, दैट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ फंड या अप्लीकेशन ऑफ फंड, जब फंड्स बढ़ेगा तो सोर्सेज ऑफ फंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट होता है जी, सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट चेंज इन करेंट एसेट्स, पैसा आएगा ना, ये सोर्सेज ऑफ फंड्स है, पैसा आएगा इसमें। फिर परचेज ऑफ गुडविल बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, कोई इसमें परचेज ऑफ गुडविल, एक गुडविल और एक डिबेंचर दोनों नॉन करेंट है, कोई फंड फ्लो नहीं होगा, कब फंड फ्लो होगा, जब एक करेंट हो और एक नॉन करेंट। ये देखिए गुडविल भी नॉन करेंट है और डिबेंचर भी नॉन करेंट है, नॉन करेंट के बीच होगा नो फंड फ्लो होगा। क्वेश्चन छह, द टर्म फंड एज यूज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मींस, जो फंड यूज होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट उसका मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फ्लो ऑफ फंड्स टेक प्लेस वेयर, कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम इट, नहीं ये सब करंट करंट है, ये भी करंट करंट है, मशीनरी परचेज इन कैश, एक करंट है ये नॉन करंट है और एक करंट है, तो जब ट्रांजेक्शन करंट नॉन करंट तभी यहां पर आएगा। क्वेश्चन एट, कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये कोई फंड फ्लो नहीं होगा क्योंकि कैश आपका करंट है और डेटर्स भी आपका करंट है, कोई फंड फ्लो नहीं होगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन क्या है पढ़िए, ठीक है नाइन पढ़िए, स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अफेक्ट फंड फ्लो, कौन सा फंड फ्लो को अभी करेगा, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग करेंट एंड नॉन करेंट, राइट सही है, अफेक्ट करेगा, अफेक्टिंग बोथ करेंट नहीं करेगा, अफेक्टिंग बोथ नॉन करेंट नहीं करेगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, तभी फंड फ्लो अफेक्ट होगा जब एक करंट नॉन करेंट हो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब जानते क्या होता है, करंट हो जाता है, तो यहां पे कोई फंड फ्लो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट रन होता है वो करंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, तो कोई फंड फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूजेज ऑफ फंड, कौन यूजेज ऑफ फंड्स नहीं है, ये यूजेज ऑफ फंड्स है, पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड विद द फंड्स है, रिडेम्पशन ऑफ ये है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पैसा आएगा, ये सोर्सेज ऑफ फंड्स है, सोर्सेज ऑफ फंड में भी जनरेटेड, कैसे सोर्सेज ऑफ फंड्स जनरेट होता है, बिटवीन करेंट एंड फिक्स होगा, बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज नहीं होगा, बिटवीन फिक्स एंड फिक्स नहीं होगा, यानी कि किस कब होगा, जब एक करेंट हो और दूसरा फिक्स हो तो होगा। 13 नंबर क्या है देखिए, 14, विच इज करेंट एसेट्स, कौन करेंट एसेट्स है,
विच ऑफ फॉलोइंग आर करंट एसेट्स, स्टॉक इज करंट एसेट्स और सब नॉन करंट है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन करंट एसेट्स, कौन इसमें से नॉन करंट है, पेटेंट नॉन करंट है और सब करंट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कौन नॉन करंट लाइबिलिटीज है, ये लॉन्ग टर्म लोन एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। 16, विच ऑफ फॉलोइंग आर करंट लाइबिलिटीज, कौन करंट लाइबिलिटीज है, बीपी है, यही है और सब आपका नॉन करंट है, ठीक है। फिर 17 नंबर क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फंड, कौन सोर्स ऑफ फंड है जिससे पैसा आएगा, कैश कलेक्टिव फंड नहीं है क्योंकि दोनों करंट है इसमें, स्टॉक सोल्ड भी नहीं है, दोनों करंट है, डिवेंचर इशू, ये नॉन, एक कैश है और एक डिवेंचर है, करंट और नॉन करंट ये सोर्सेज ऑफ फंड्स है, डिविडेंड पे आपका पैसा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। 19 नंबर में आइए, इंक्रीज इन स्टॉक्स, इंक्रीज इन स्टॉक्स मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिजल्ट्स, डिवेंचर रिडम्पशन एप्लीकेशन ऑफ फंड से पैसा जाएगा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नहीं, डिक्रीज, यानी बोनस शेयर इशू करने से किस कैश पे कहीं कोई फर्क, फंड्स पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। 22, अ स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, लास्ट ईयर से करेंट ईयर में वर्किंग कैपिटल में जो चेंज होता है उसके लिए एक स्टेटमेंट बनता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ही हो गया। 22 नंबर, वर्किंग कैपिटल इज असर्टेन्ड एज फॉलो, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, देखिए करंट पहला ही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस लॉसेस इज इक्वल टू, ये आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। 25, पेमेंट ऑफ टैक्स एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम, पैसा आएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स हो जाएगा, जब कंपनी शेयर प्रीमियम पे इश्यू करेगी तो शेयर का तो फेस वैल्यू आएगा, आएगा उसके एडिशनल आएगा, सोर्स ऑफ फंड्स है। कमीशन पेड, इन रिजल्ट्स ऑफ कमीशन पेड करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, पैसा जाएगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमारा पैसा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। 29, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज, शेयर इशू किया और मशीनरी खरीदा, कहीं कोई फंड फ्लो नहीं होगा, दोनों नॉन करेंट है, नो फ्लो ऑफ फंड्स होगा। 30th क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैन बी ट्रीटेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करंट लायबिलिटीज ही मान सकते हैं और नॉन करंट ही मान सकते हैं, ओनली करंट ओनली एप्रोप्रिएशन, यानी इन दोनों में से किसी एक को ट्रीट कर सकते हैं। अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इट्स बैलेंस शीट वंस इन अ ईयर, बैलेंस शीट साल में एक बार बनाया जाता है। 32, द स्टेटमेंट विच शो द पीरियोडिकल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फंड इज कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट जो लास्ट ईयर से करेंट ईयर में फंड के चेंजेस को बताता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। 23, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी नहीं, अकाउंटिंग पीरियड नहीं, गोइंग कंसर्न, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न को बेस्ड होता है। फंड्स मीन्स मनी, कैश, मशीनरी, एनी फॉर्म ऑफ कैपिटल। 35, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज के एसेट्स को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना, नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। विच ऑफ फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ करेंट एसेट्स, स्टॉक करेंट एसेट्स है, प्रीपेड है, इनकम ऑन बट ये भी है, सब ऑल ऑफ इस सब आपका करेंट एसेट्स का पार्ट्स है। 37, द टर्म फ्लो ऑफ फंड्स रेफर्स टू, फ्लो ऑफ फंड्स जानते हैं क्या होता है, चेंज इन फंड्स, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बताया था ना आपको, फंड फ्लो मींस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 38, ट्रांजेक्शन बिटवीन डैश डैश मे बी कॉज फ्लो ऑफ फंड्स, ठीक है, करेंट एंड फिक्स, हां सही है, होगा करेंट एंड करेंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, यहां पे नॉन करेंट होना चाहिए, मिसप्रिंट है, इससे भी होगा करेंट लाइबिलिटीज एंड इससे भी, एंड ऑल इन सब से मैंने कहा फंड फ्लो कब होगा, जब एक ऑस्पिट करेंट हो दूसरा नॉन करेंट, देखिए यहां पे करेंट नॉन करेंट, ये देखिए करेंट नॉन करेंट, करेंट नॉन करेंट सबसे होगा। द टर्म नॉन करेंट अकाउंट्स रेफर्स टू,
नॉन करेंट लाइबिलिटीज का सेंस है कैपिटल लाइबिलिटीज, ये दोनों हो सकता है, यानी करेंट अकाउंट कैपिटल और लाइबिलिटीज यानी ए और सी दोनों हो सकता है, ठीक है। शेयर प्रीमियम फॉरफिटेड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ये परमानेंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल होता है फिक्स का। द फंड फ्लो एनालिसिस ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, यानी फंड फ्लो एनालिसिस का प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इसका इंपॉर्टेंस होता है। हु यूज द फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर एनालिस्ट ऑल, ये सब फाइनेंशियल फंड फ्लो स्टेटमेंट को यूज करते हैं। 43, द सोर्सेज ऑफ साइड ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट द डैश सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ फॉर्म, ये जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है वो इंटरनल सोर्स से भी बनता है, एक्सटर्नल से ही बनता है, तो ये दोनों होगा, सोर्सेज जो है वो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्ट होगा। 44, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, नहीं, बैलेंस शीट का भी नहीं है, यानी ये नन, किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ओरिजिनल स्टेटमेंट, फंड फ्लो ओरिजिनल नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ओरिजिनल स्टेटमेंट। 46, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डायनेमिक, कौन सा इसमें से डायनेमिक होता है, बैलेंस शीट्स, फंड फ्लो, बोथ, ये फंड फ्लो आपका डायनेमिक होता है। 47, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू बैलेंस शीट्स, इनकम, बोथ, दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, फंड लॉस एप्लीकेशन है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नहीं, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। 49, व्हाट इज मीन्ट बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स, इसमें मेनली हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को बेस लेके चलते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनीज एंड सप्लायर, बोथ हो जाएगा। ये हम लोग का फंड फ्लो स्टेटमेंट्स का टॉपिक है। फंड फ्लो को समझना है तो पहले पढ़िए उसको, ये देखिए सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है, किस किस सोर्स से फंड जनरेट होता है, किस किस सोर्स से फंड यूज होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। एक बार बुक्स उठाइए, पहले ये पढ़िए फंड फ्लो क्या है, फंड फ्लो कब होता है, जब एक ऑस्पेक्ट करेंट हो एक ऑस्पेक्ट नॉन करेंट हो, जब दोनों करेंट होंगे तो फंड फ्लो नहीं होगा, जब दोनों नॉन करेंट होंगे तो फंड फ्लो नहीं होगा। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनता है, एक तरफ सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं जिसमें जहां जहां से फंड आता है वो, और एक तरफ जहां जहां फंड यूज होता है वो, ठीक है। दूसरा, इसके साथ दो स्टेटमेंट बनते हैं, पहला बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये स्टेटमेंट बताता है कि लास्ट ईयर और करेंट ईयर का वर्किंग कैपिटल क्या है, करेंट ईयर का वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर के वर्किंग कैपिटल से बढ़ा है कि घटा है, ये हमको सिखाया जाता है उसमें, ठीक। और फंड फ्लो स्टेटमेंट हमको बताता है कि फंड्स कहां कहां से जनरेट हुआ है, फंड्स कहां कहां यूज हुए। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार आप पढ़िए, इस 50 क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम एक वीडियोज में इस पूरे फंड फ्लो को एक्सप्लेन कर पाए, हम लोग 8-8 10-10 क्लास में फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाते हैं, तो ये एग्जाम का टाइम है जहां बच्चे एग्जाम्स को लेके पैनिक हो रहे हैं, तो वहां ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। पढ़िए, किसी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट्स हो तो प्लीज हमें कमेंट्स करिए और रिप्लाई करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स को प्रोवाइड करिए। बहुत जल्दी पेपर 2 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में सीरीज को लेके आते हैं और फिर उस पेपर्स के लिए काम करते हैं, तब तक आप इन सबको रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।